सिद्धू हूँ, यूनाइटेड सिख मूवमेंट का सेक्रेटरी जनरल हूँ। 4-5 दिन पहले हमने ये खदशा जाहिर किया था कि पंजाब के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो जाएंगे और कांग्रेस गवर्नमेंट भी उसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो हमने एक रिट पटिशन दायर कर रखी है हाईकोर्ट के अंदर कि जब तक ऑनरेबल हाईकोर्ट SAT को अपने कंट्रोल में लेके इन्वेस्टिगेशन नहीं कराती है और जब तक उनको टाइम फिक्स नहीं करती है, हमें शक है कि इसका कुछ भी निकलने वाला नहीं है। सिंस ये सिख कौम का सवाल है, सिख नेशन का सवाल है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब का सवाल है, एवरीबॉडीज अप इन आर्म्स, सारी वर्ल्ड के सिख अप इन आर्म्स हैं, और उसके बावजूद भी जिस तरीके से इन्होंने ये दोनों केस हैंडल किए पंजाब गवर्नमेंट ने, पहले तो इन्होंने जो पुलिस अफसर थे वो जस्टिस रंजीत सिंह की रिपोर्ट को स्टे करा गए, सरकारी वकील कोई नहीं पेश हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। दूसरा फिर हुआ कि बादल साहब आए और रैली की परमिशन ले गए और इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये पेश नहीं हुए बिल्कुल, ये मिली भुगत है। जो पंजाब का माहौल अब खराब हुआ है कल, जो जिस तरह से ये हो रहा है, इसमें कांग्रेस सरकार भी उतनी ही जिम्मेवार है जितने अकाली जिम्मेवार हैं। इन्होंने ये फिक्स मैच बना रखा है, ये दोनों फिक्स मैच बना के खेल रहे हैं, और हम फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमने केस किया है सिट को अपने अंडर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि पंजाब का भला हो, पंजाब के लोगों का भला हो, आप सिट को टाइम बाउंड करके अपने अंडर इन्वेस्टिगेशन कराइए, अदरवाइज 90 वाले हालात पंजाब के फिर खराब होने वाले। सर आपने एक रिक्वेस्ट भी की है AG अतुल नंदा के खिलाफ, वो क्या है? द मैन जो लीगल नोटिस दिया है, रिक्वेस्ट नहीं, लीगल नोटिस दिया है कि जो ये बंदा किसी केस में पेश ही नहीं होता है, इसका मोटिव क्या है बिहाइंड दिस, पंजाब गवर्नमेंट हमें एक्सप्लेन करे और इसको इमीडिएटली रिमूव करे, ये हमने इसमें रिक्वेस्ट नहीं की, लीगल नोटिस दिया है कि ही शुड बी रिमूव। आपने टाइम बाउंड रखा है कि टाइम बाउंड 15 डेज टाइम बाउंड है, 15 दिन में अगर नहीं जवाब देती तो हम फिर रिट फाइल करेंगे, इसके अगेंस्ट भी करेंगे, क्योंकि जो हालात खराब हो रहे हैं उसके लिए हम नंदा को जिम्मेवार माने कि पंजाब गवर्नमेंट का उसके पीछे कोई हाथ है उसको जिम्मेवार माने, हमें तो ये भी नहीं समझ आ रही ना कि ये नंदा का ही नलैकी है या उसकी नेग्लिजेंस है या पंजाब गवर्नमेंट इसके पीछे।